रहमान रहीम व्यूअर्स, अपने इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किसी और टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर में लिखे हुए टेक्स्ट को जब कॉपी करते हैं ड्रीमवीवर में तो किस तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं, यानी हम इसे कह सकते हैं कि हम टेक्स्ट को जब इंपोर्ट करते हैं या कॉपी पेस्ट करते हैं किसी और सॉफ्टवेयर से तो किस तरह से उसे मैनेज करते हैं। व्यूअर्स, इस वक्त मेरे पास एडोब ड्रीमवीवर में मैंने एक न्यू ब्लैंक पेज क्रिएट किया है, इसमें मैंने अभी तक कोई टेक्स्ट नहीं लिखा है, और मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो कि एक बहुत ही वेल नाउन प्रोसेसिंग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है उसमें मैंने कुछ टेक्स्ट जो है वो फॉर्मेट करके कॉपी पे पहले से जो है वो लिखा हुआ है। अब मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करके लेकर आना चाहता हूँ ड्रीमवीवर में। व्यूअर्स, बेसिकली होता ही होंगे जब आप एक वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं तो उसकी जो मेंटेनेंस है या उसकी जो अपडेशन है, आप जो उसे अपडेट करते हैं तो अपडेशन डायरेक्टली जरूरी नहीं कि आप वेब सर्वर पर जाकर अपडेशन करें या ड्रीमवीवर में ही जो टेक्स्ट आपने एंटर करना है डायरेक्टली जाकर रिकॉर्ड करें उसे टेक्स्ट को टाइप कीजिए। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी इसको टाइप कर सकते हैं और ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि टेक्स्ट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या किसी दूसरे और टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर में पहले टाइप किया जाता है और फिर वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लिया जाता है। तो व्यूअर्स, हम देखते हैं कि हम किस तरह से वर्ड में लिखे हुए इस टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं ड्रीमवीवर में। व्यूअर्स, मैं कंट्रोल ए की प्रेस करके इसे कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल ए से ये सारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया और फिर मैंने कंट्रोल सी से इसको कॉपी किया और व्यूअर्स अब मैं इसको अपने इस वेब पेज में पेस्ट कर देता हूँ। व्यूअर्स, ये क्या, मैंने तो जब ये टेक्स्ट कॉपी किया था अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट से तो आप देखिए कि वेल फॉर्मेटेड था, इसमें मैंने इसके फॉन्ट को कहीं पे बोल्ड किया हुआ है, कहीं पे मैंने उसको साइज इंक्रीज किया हुआ है, अटैलिक भी वर्ड्स हैं हमारे पास, ये कुछ वर्ड्स जो है वो अटैलिक में है। तो व्यूअर्स, और ये पैराग्राफ थे, कुछ पैराग्राफ्स थे व्यूअर्स ये, लेकिन जब मैंने इन्हें कॉपी करके पेस्ट किया अपने इस वेब पेज में तो ये तो एक ही बड़ा सा पैराग्राफ बन गया है जो कि हमारे लिए कारआमद नहीं है। व्यूअर्स, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने अभी तक एडोब ड्रीमवीवर के कॉपी पेस्ट प्रेफरेंसेस को अपने ज़रूरियात के मुताबिक नहीं सेट किया है। मैं कंट्रोल जी प्रेस करके अंडू कर देता हूँ इसे और मैं प्रेफरेंसेस के मेन्यू में जाके देखता हूँ कि मेरे पास कॉपी पेस्ट के हवाले से क्या प्रेफरेंसेस अवेलेबल हैं। तो मैंने एडिट के मेन्यू से व्यूअर्स प्रेफरेंसेस को चूज़ किया और कैटेगरी में से मैं कॉपी पेस्ट को जो है वो क्लिक करता हूँ ताकि कॉपी पेस्ट से रिलेटेड जो हमारे ऑप्शंस हैं वो मेरे सामने आ जाएं। व्यूअर्स, यहाँ देखिए राइट साइड पे आपके पास चार ऑप्शंस मौजूद हैं। पहला ऑप्शन जो जिस पे पहले रेडियो बटन पे चेक हुआ हुआ है, टिक हुआ है, वो है टेक्स्ट ओनली। यही वजह है कि जब हमने वहां से कॉपी करके टेक्स्ट को पेस्ट किया तो उसने सिर्फ टेक्स्ट को पेस्ट किया, कोई फॉर्मेटिंग या पैराग्राफ जो भी हमारे स्टाइल्स थे उनको पेस्ट नहीं किया। तो व्यूअर्स, इसके अलावा हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन से ऑप्शन मौजूद हैं। दूसरा ऑप्शन है टेक्स्ट विद स्ट्रक्चर, यानी आपका टेक्स्ट भी कॉपी होगा और स्ट्रक्चर से मुराद ये कि अगर आपने कोई लिस्ट बनाई हुई है, आपने पैराग्राफ्स बनाए हुए हैं, आपने टेबल्स बनाए हुए हैं, वो सब चीज़ें भी एज इट इज़ वहाँ पर कॉपी हो जाएंगी। और व्यूअर्स, तीसरा ऑप्शन जो हमारे पास है वो है टेक्स्ट विद स्ट्रक्चर प्लस बेसिक फॉर्मेटिंग। व्यूअर्स, इस ऑप्शन में टेक्स्ट विद स्ट्रक्चर प्लस बेसिक फॉर्मेटिंग में आपका टेक्स्ट भी आएगा, उसका स्ट्रक्चर यानी अगर आपने पैराग्राफ्स बनाए हैं, आपने लिस्टें बनाई हैं या आपने टेबल्स बनाए हैं, वो सब चीज़ें भी आएंगी, प्लस उसकी जो फॉर्मेटिंग है यानी बोल्ड अटैलिक वगैरह आपने किया है वो भी फॉर्मेटिंग भी कॉपी हो जाएगी। और चौथा ऑप्शन है टेक्स्ट विद स्ट्रक्चर प्लस फुल फॉर्मेटिंग बोल्ड अटैलिक एंड स्टाइल्स। व्यूअर्स, ये चौथा ऑप्शन शायद देखने में आपको सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट लगे कि ये ऑप्शन सही है जिसमें तमाम चीजें हमारे पास कॉपी हो जाती हैं, तो मैं इसको सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ कि क्या ये ऑप्शन हमारे लिए ठीक है या नहीं। तो व्यूअर्स, इसमें आप जब टेक्स्ट विद स्ट्रक्चर प्लस फुल फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट करते हैं तो इसके साथ आपके पास नीचे दो चेकबॉक्स आ रहे हैं। ये दो चेकबॉक्स क्या हैं? रिटेन द लाइन ब्रेक्स। रिटेन द लाइन ब्रेक से मतलब आपने अगर कहीं पे लाइन ब्रेक इंसर्ट किया यानी नई लाइन शुरू किया तो उसे एज इट इज एक्सेप्ट करें। सेकंडली क्लीन अप वर्ड पैराग्राफ स्पेसिंग। व्यूअर्स, जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप पैराग्राफ चेंज करते हैं यानी एक पैराग्राफ से दूसरा पैराग्राफ बनाना शुरू करते हैं तो उसमें कुछ एडिशनल स्पेस आ जाती है, तो अगर इस चेकबॉक्स को आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो वो जो एडिशनल स्पेसेस हैं उनको खत्म कर देगा ये ऑप्शन। मैं इसको ओके करता हूँ और व्यूअर्स अब दोबारा से मैं पेस्ट करता हूँ उसी टेक्स्ट को अपने वेब पेज में। दोबारा से जाके मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट से। कंट्रोल ए की प्रेस करके मैं सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और फिर कंट्रोल सी प्रेस करके कॉपी कर लेता हूँ। और व्यूअर्स देखिए, मैंने यहाँ पर जब इसे पेस्ट किया, अब की बार हमारा ना सिर्फ टेक्स्ट बल्कि उसका स्ट्रक्चर और उसकी जो बेसिक फॉर्मेटिंग है जहाँ मैंने बोल्ड और अंडरलाइन किया वो भी आ रहा है। व्यूअर्स, अटैलिक जो वर्ड्स किए मैंने वो भी मुझे एज इट इज़ नज़र आ रहे हैं। तो क्या यही ऑप्शन हमारे लिए सबसे बेहतर है? व्यूअर्स, इस चीज़ को ज़्यादा डिटेल से देखने के लिए मैं इसे स्प्लिट व्यू में देखता हूँ, यानी मेरा कोड व्यू भी नजर आए, मुझे डिजाइन व्यू भी नजर आए। व्यूअर्स, यहाँ पर देखें आप, जब कोई नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है इसमें एक एडिशनल टैग जो है MSO normal,
ये जो टैग है ये हमारे पास ऐड हो गया, जो जिसकी हमें कतई तौर पर जरूरत नहीं है। बेसिकली व्यूअर्स, जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करते हैं तो उसकी स्टाइल्स को जब आप कॉपी करते हैं तो कुछ एडिशनल टैग्स जो है वो बिला वजह हमारे जो जरूरत के नहीं है, हमारे काम के नहीं है, इसमें ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो पेज है वो ज्यादा क्राउडेड नजर आता है, ज्यादा टैग्स उसमें नजर आते हैं, जो कि कोई अच्छी बात नहीं है। हमें अपने पेज को जितना मुमकिन हो सके रीडेबल रखना है, अपने कोड को रीडेबल रखना है ताकि हमें एडिटिंग करने में आसानी रहे। तो व्यूअर्स, मैं दोबारा से डिजाइन व्यू में जाके अंडू कर देता हूं इस कॉपी पेस्ट को, और व्यूअर्स प्रेफरेंसेस के मेन्यू में से जाके दोबारा से मैं कॉपी पेस्ट में से टेक्स्ट विद स्ट्रक्चर प्लस बेसिक फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट करता हूं। व्यूअर्स, ये सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन है आपके लिए, अगर आप वर्ड में या किसी और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में कुछ अपना टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, तो ये ऑप्शन मैं आपको सजेस्ट करता हूं सबसे बेहतर है। तो इसको ओके कर लेने के बाद व्यूअर्स मैं दोबारा से पेस्ट करता हूं इस तमाम फॉन्ट अपने टेक्स्ट को। व्यूअर्स देखिए, हमारा टेक्स्ट भी आ गया, पैराग्राफ भी बने हुए हैं और फॉर्मेटिंग भी वैसे की वैसे आ रही है। और जब मैं स्प्लिट व्यू में जाके इसके कोड को देखता हूं तो व्यूअर्स अब आप देख रहे हैं कि वो जो हमारे पास हर पैराग्राफ के साथ एडिशनल जो एक नजर आ रहा था हमारे पास टैग MSO नॉर्मल का, वो अब खत्म हो चुका है। तो व्यूअर्स, मैं सजेस्ट करता हूं कि आप इसी फॉर्मेटिंग को या इसी प्रेफरेंसेस को यूज करें।